हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम लोग जेनेटिक्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल इनमें से PYQs आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा था कि कैसे मेंडल ने दो प्योर प्लांट्स में क्रॉस करा के F1 और F2 प्रोजेनी ऑब्टेन की, और उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने दो लॉ दिए। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था मेंडल ने कि भाई जब भी कभी दो डिससिमिलर फैक्टर साथ में आते हैं, यानी अगर एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो मेंडल ने कहा था कि दोनों खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ध्यान है आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था हमने ये रहा कि अगर डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ये तो सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर करें, आइडेंटिकल पेयर है ये, तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि मेंडल ने ना जीन वर्ड यूज़ किया ना एलील वर्ड यूज़ किया, वो इनको इंडिविजुअली भी फैक्टर बोलते थे, साथ में भी पेयर ऑफ फैक्टर बोलते थे। लेकिन अब बाद में ये चीज़ मॉडिफाई हो गई थी कि भाई इंडिविजुअली तो ये दोनों एलील हैं, और अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो आप इन दोनों एलील्स को मिलाकर जीन कह सकते हो, है ना। तो आप लैंग्वेज जेनेटिक्स में सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही होता है कि जब हम NCERT से उसको पढ़ने बैठते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता, कभी जीन लिख रहा है, कभी एलील लिख रहा है, कभी फैक्टर लिख रहा है। तो अगर दिमाग में ये टर्म्स क्लियर है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेंडल ने क्या कहा कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी अगर साथ में है ना, या कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में है, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में है, कैपिटल जी स्मॉल जी साथ में है, कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील साथ में अगर हैं तो दोनों खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि दोनों में से कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस करता है, दूसरा चुपचाप बैठ जाता है। जो चुपचाप बैठ गया वो रेसेसिव, जो दादागिरी चला रहा है वो डोमिनेंट। ओके, नो डाउट मेंडल का ये लॉ ज्यादातर जगह एप्लीकेबल है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे और रिसर्च हुई, कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, तो कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले जहां पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता। यानी वहां पर अगर दो एलील्स अलग अलग साथ में हैं, अगर दो डिससिमिलर एलील साथ में हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है उसमें बच्चों कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में लड़ाई करने लग गए। वो आपने स्टोरी सुनी है दो बिल्ली और एक बंदर वाली की, दो बिल्लियां लड़ रही हैं कि ये रोटी का टुकड़ा मेरा, ये उसका, और बंदर धीरे धीरे खाता गया और वही फायदा उठा के पूरी खत्म कर गया रोटी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में क्या होता है कि इन दोनों ने एक दूसरे से इतनी लड़ाई कर ली कि ना तो कैपिटल टी का पूरा एक्सप्रेशन आया ना स्मॉल टी का पूरा एक्सप्रेशन आया, बल्कि एक थर्ड ही ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। यानी जैसे अभी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल पढ़ेंगे बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, एक प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन जैसे ड्रैगन का आगे से मुंह खुला हुआ होता है ना, ऐसे इसके फ्लावर की पेटल्स आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह की दिखती है फ्रंट से, है ना, इसमें दिखाई नहीं है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। स्नैप ड्रैगन का फ्लावर देखना बिल्कुल ड्रैगन के माउथ की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्नैप ड्रैगन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्नैप ड्रैगन है जिसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, एंटी राइनम इसका साइंटिफिक नेम है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी उस पर मत जाओ। इनमें क्या देखा गया कि जब इनमें दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट लिए मेंडल की तरह, एक रेड फ्लावर वाले लिए एक वाइट फ्लावर वाले प्लांट लिए, और दोनों में क्रॉस करवा दिया, तो उनका जो रिजल्ट आया ना F1 प्रोजेनी में, तो F1 प्रोजेनी में ना रेड कलर आया ना वाइट कलर आया, तीसरा ही कलर आ गया, दैट इज पिंक कलर। जैसे हम ड्राइंग नहीं करते रेड और वाइट को मिक्स करके पिंक बनाते हैं, तो भाई पिंक तो अपने आप में अलग कलर है ना, रेड अलग है वाइट अलग है, चाहे उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए बट कलर तो अलग है। तो इसका मतलब ना रेड खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है पूरी तरह, ना वाइट एक्सप्रेस कर पा रहा है, बल्कि एक थर्ड ट्रेट आपको देखने को मिल गया है। इस केस को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एंड कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस, को वर्ड हम कब यूज करते हैं? को वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई, जैसे हम बोलते हैं हमारा को पार्टनर, हमारा कली, को यानी साथी, जो हमारे साथ मिलजुल कर रहे, हमारे साथ अच्छे से समझौता कर ले। तो कोडोमिनेंस में क्या हुआ कि जब अगेन ये कंडीशन आई कि एक बड़ा और एक छोटा एलील साथ में है, तो इन दोनों ने कहा कि यार वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, हम दोनों की लड़ाई के चक्कर में बंदर ने फायदा उठा लिया था, हम दोनों का ही ट्रेट नहीं आया था, तो हम एक काम करते हैं आपस में समझौता कर लेते हैं। को यानी समझौता, यानी
मैं भी खुद को एक्सप्रेस करूं और मैं भी खुद को एक्सप्रेस करूं, यानी इसने बोला भाई मेरा भी कलर आना चाहिए और तेरा भी कलर आना चाहिए, दोनों का कलर आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई थर्ड ट्रेट आ जाए। यानी जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूं, आपकी बुक में तो इसको कोडोमिनेंस को हम ए बी ब्लड ग्रुप से पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक और एग्जांपल देती हूं। आपने कुछ कैटल्स को देखा है, कुछ काउस को देखा है, उन काउस में क्या होता है, पूरी बॉडी व्हाइट कलर की होती है पर उस पे बीच बीच में ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, पूरी काऊ जो है वो ब्लैक कलर की है पर उसकी बॉडी पर जगह जगह व्हाइट कलर के पैचेस हैं। तो काउज में ये जो बॉडी कलर है, इसको इस तरह की कैटल्स को रोन कैटल्स कहते हैं, ROAN, रोन कैटल्स, ठीक है, जो इस तरह से मोज़ेक अपीयरेंस दिखा रही है ना, धब्बेदार अपीयरेंस दिखा रही है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें ये जो पैचेज हैं वो क्यों आए, क्योंकि जब दो एलील साथ साथ आए, मान लो हम ब्लैक को कैपिटल बी से इंडिकेट कर दें और व्हाइट को स्मॉल बी से कर दें, तो जब ये कंडीशन आई ना तब क्या हुआ, ब्लैक कलर भी आया और व्हाइट कलर भी आया, मिक्स नहीं हुए दोनों, ब्लैक भी दिख रहा है आपको, व्हाइट भी दिख रहा है। तो पूरी काऊ ब्लैक है, व्हाइट पैचेस हैं, या पूरी काऊ व्हाइट है, ब्लैक पैचेस हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होता तो यहाँ पे पूरी काऊ ग्रे कलर की हो जानी चाहिए थी, थर्ड ही ट्रेट आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर यहाँ ब्लैक कलर भी है, यहाँ व्हाइट कलर भी है, कोई तीसरा ट्रेट नहीं आया है ना, तो इसको तो कहेंगे कोडोमिनेंस, और जहां पर कलर ही कोई तीसरा आ गया है उसे आप कहोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे अगेन उल्टा करके सोचो कि अगर स्नैप ड्रैगन में कोडोमिनेंस होता तो यहाँ पर पिंक फ्लावर्स नहीं आने चाहिए थे, बल्कि पेटल्स जो है, कोई पेटल रेड होती कोई व्हाइट होती, या हो सकता है एक ही पेटल पे आधी रेड होती आधी व्हाइट होती, तो अगर रेड और व्हाइट दोनों कलर आते तो दोनों ने समझौता कर लिया, नहीं वो कोडोमिनेंस हो जाता, पर अगर रेड और व्हाइट की जगह एक थर्ड ट्रेट आया है, पिंक कलर आया है, तो दोनों ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो नीट में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब व्हेन प्रोजेनी रिजेंबल नीदर ऑफ द पेरेंट, जो पिंक फ्लावर्स हैं वो ना रेड जैसे हैं ना व्हाइट जैसे हैं, तो जब प्रोजेनी अपने दोनों ही पेरेंट से अलग है, दोनों से ही मैच नहीं कर रही है, तो वो तो हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन प्रोजेनी रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट्स, तो वो हुआ कोडोमिनेंस। और मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन प्रोजेनी रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, सही है ना ये बात। मैंने यहां पर एक टेबल बना दी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि तीनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, जो डोमिनेंस है मेंडल का लॉ है वो तो कहता है प्रोजेनी किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करेगी, बट ऑब्वियस डोमिनेंट वाले से करेगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है रिजेंबल नीदर ऑफ द पेरेंट, और कोडोमिनेंस कहता है रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट। ठीक है, ईदर नीदर बोथ, इतना सा फर्क है, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या। अब हम इन तीनों को देखते हैं, ये रेशो पे अभी मैं बाद में आऊंगी, पहले हम इनके बारे में पढ़ें जरा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब हमें इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस पढ़ना है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखा है व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स, पी की बात नहीं हो रही है, कह रहा है जिस तरह के एक्सपेरिमेंट पी पे हुए थे वैसे ही एक्सपेरिमेंट दूसरे प्लांट्स पर जब रिपीट हुए, तो इट वॉज फाउंड दैट सम टाइम द F1 हैड अ फीनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वॉज इन बिटवीन द टू, डिड नॉट रिजेंबल, या तो कह दो नीदर ऑफ द पेरेंट या कह दो डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, अब किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ सकता है स्टेटमेंट तो, ठीक है। और बल्कि वो ट्रेट कैसा था, इन बिटवीन द टू, कोई तीसरा ही कलर यहाँ पे मिला। द इनहेरिटेंस, इसका एग्जाम्पल याद रखना, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, या साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम। एंटीराइनम इज द जीनस, इसकी स्पीशीज, एसपी स्पीशीज के लिए लिखा है, जैसे एंटीराइनम मेजस इज अ स्पीशीज, और भी कोई भी स्पीशीज हो सकती है। तो ये कह रहा है कि एंटीराइनम की जितनी भी स्पीशीज हैं जिनको डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन कहते हैं, उनमें फ्लावर कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसमें हाइट भी हो सकती है उस प्लांट में, उस प्लांट में कोई जो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो फ्लावर कलर उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके क्या करवाया इसमें, जब इसमें क्रॉस करवाया रेड, भाई इसमें भी सेम वही कंडीशंस लेके चलना है आपको, कि दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया, जो रेड फ्लावर थे उनको मान लिया होमोजाइगस RR, जिसमें व्हाइट फ्लावर थे उसको मान लिया स्मॉल RR। तो जब इसमें क्रॉस कराया तो यहाँ जितने भी गैमीट बने कैपिटल R, यहाँ जितने भी बने स्मॉल R, जब इन दोनों को फ्यूजन होगा तो ये कंडीशन आई। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, यहाँ कौन से कलर के फ्लावर आने चाहिए थे बच्चों,
यहाँ आने चाहिए थे रेड कलर के, बट यहाँ रेड नहीं आए बल्कि यहाँ पिंक फ्लावर्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठा कि मेंडल ने कहा था कि भाई ब्लेंडिंग नहीं होती है कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर तो हमें सोचने पर तो एक तरह से वही हुआ कि जैसे हम पेंटिंग में रेड और वाइट कलर को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ तो शायद मिक्सिंग ही हो गई है एक तरह से। बट अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स को नहीं बताता, यहाँ एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई है बच्चों, ट्रेट एक ऐसा आ रहा है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि रेड और वाइट कलर मिक्स होके पिंक बन गए हैं, बट अब एलील्स ने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोई है। ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स का मतलब होता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे में इतना मर्ज हो गए, घुल मिल गए कि अब ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो चुके हैं, उसको कहते हैं ब्लेंडिंग हमेशा, है ना। ऐसा नहीं हुआ है, कैसे प्रूफ हुआ कि जब इन F1 प्लांट्स में सेल्फिंग कराई गई सेम मेंडल की तरह, तो यहाँ पर आपको पता है वही दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, मेल और फीमेल में भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सेल्फिंग से या तो हमें ये गैमेट मिले या हमको ये गैमेट मिले, बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो जब इसका फ्यूज़न हुआ, मैं सीधा लिख दूँ क्या, जब सेल्फिंग के बाद फ्यूज़न हुआ तो मेंडल की ही तरह यहाँ पर ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए थे क्या, या तो कैपिटल आर आर या कैपिटल आर स्मॉल आर या स्मॉल आर आर, यही रिजल्ट आने चाहिए थे, बिल्कुल यही रिजल्ट आए। अगर ये मेंडल का लॉ फॉलो करता तो ये तीनों रेड होने चाहिए थे और ये वाइट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और अगर ब्लेंडिंग हो चुकी है तो अब सारे ही पिंक फ्लावर्स आने चाहिए, अब ना कैपिटल आर रहा ना स्मॉल आर रहा, पर ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि ये वापस से रेड था, ये वापस से वाइट फ्लावर था और ये दोनों पिंक फ्लावर्स थे। यानी यहाँ पर कोई एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई, एलील्स ने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोई है। जैसे ही ये एलील सिमिलर कंडीशन में आया, होमोजाइगस कंडीशन में आया, इन्होंने अपना ओरिजिनल ट्रेट दिया है, सिर्फ अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ है तो ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना ये खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है पूरी तरह, इसलिए पिंक कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ब्लेंडिंग को बताता है क्या, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि F2 जनरेशन में फिर से रेड और वाइट फ्लावर्स भी मिले अलॉन्ग विद द पिंक फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि सेम उसी क्रॉस को समझाया है कि जब RR और स्मॉल RR को कराया तो हाइब्रिड मिला हमको, ये पिंक कलर का था। व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड तो F2 में वापस रेड पिंक एंड वाइट फ्लावर्स मिले। तो क्या आपको देखकर यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर रेड पिंक और वाइट तीन कलर के फ्लावर्स मिल गए हैं बच्चों, जबकि मेंडल को तो दो ही कलर के मिल रहे थे ना, वहां तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा था, तो वहां पर तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1, पर यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो गया है, 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो तो है ही 1:2:1, क्योंकि रेड वाले ये कंडीशन शो करते हैं, पिंक वाले हेटरोजाइगस हैं और वाइट होमोजाइगस रिसेसिव हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम है और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है। तो वो कौन सा क्रॉस है या वो कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज द सेम, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेम रिजल्ट्स आते हैं कोडोमिनेंस में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि हेयर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज्ड फ्रॉम 3:1 रेशियो, क्या लिखा है, हैड चेंज फ्रॉम 3:1 रेशियो टू 1:2:1। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड वाज दैट, क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो कैपिटल आर है इट वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश RR एज पिंक फ्रॉम रेड एंड वाइट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिंपली मतलब है दोनों ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। क्लियर? ठीक है, ये आपको डायग्राम में पूरा क्रॉस प्रॉपरली बनाया हुआ है, आप चाहे पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं या सिंपल फॉर्म में बनाएं, आपको जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको क्रॉस बनाना आना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्रॉस है, मैंने यहाँ पर बना के बता दिया, बस सेल्फिंग जब दिखाओ तो पहले गैमीट बनाना फिर उनका फ्यूजन दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, देन आगे क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख लेना बच्चों, यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख लेना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि इट इज़ नॉट ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स, यहाँ पर भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो गया था मेंडल के टाइम से ही, और ये बिल्कुल सही बात है, एलील्स की कभी ब्लेंडिंग नहीं होती, जैसे ही गेमीट बनाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वापस से जब जुड़ते हैं तो वो डिपेंड करता है वो किसके साथ प्रेजेंट है। ये जो डोमिनेंस है, एक तरह से एक बात बताओ मुझे, ये जो डोमिनेंस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं,
ये किसी एलील की इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुई क्या कि कैपिटल आर हमेशा, कैपिटल आर को आप डोमिनेंट कब कहा आपने, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आया, जैसे आप वो नहीं पढ़ते आइसोटॉनिक हाइपोटॉनिक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन होंगे तभी तो कहोगे कि ये हाइपरटॉनिक है ये हाइपोटॉनिक है, अगर एक अकेला ही सॉल्यूशन है तो उसको किससे कंपेयर करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ भी हम बताते हैं, ये डोमिनेंस एक रेफरेंस प्रॉपर्टी है। हम कैपिटल आर को इसलिए डोमिनेंट कहते हैं क्योंकि वो स्मॉल आर के साथ होता है तो खुद ही को एक्सप्रेस करता है, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में भी जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम कह पाते हैं। अगर कैपिटल आर के साथ है या स्मॉल आर के साथ है तो हम कह रहे हैं क्या कि ये डोमिनेंट है ये रेसेसिव है, तब तो हमें पता ही नहीं चलता, वो तो हमें तब पता चला जब दोनों साथ में आए। तो इसलिए डोमिनेंस कोई किसी जीन की एलील की इनहेरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक कंपैरिजन है दो एलील्स का कि वो किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इसके बाद ना एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है आपको, फिर कोडोमिनेंस पर जाएंगे हम। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, तो इसमें बताया है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई आर सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड सम आर रेसेसिव। टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, तो ये हमें तब समझ में आएगा जब हमें ये पता होगा कि जीन एक्चुअली में करता क्या है। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर तुम सीखोगे कि किसी भी सेल में जो डीएनए होता है उसके पास जीन्स होते हैं, तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो ये जो जीन्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आरएनए बनाते हैं और फिर उस आरएनए से कोई ना कोई एक प्रोटीन चेन बनती है। सभी जीन्स का काम करने का यही तरीका है, जितने भी कोडिंग जीन्स हैं हमारे वो सब यही करते हैं, जीन से बनता है आरएनए, एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, यानी हर जीन खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है। बच्चों ये जो फाइनल बनता है ये कोई कार्बोहाइड्रेट कोई शुगर कोई लिपिड नहीं होता, ये एक प्रोटीन होता है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हीमोग्लोबिन या एंजाइम्स हॉर्मोन्स ये सब मोस्टली क्या हैं, प्रोटीन्स, क्योंकि ये सब जीन से बने हैं और जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये जो डोमिनेंस है ना वो किस तरह काम करता है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि कहीं पर कैपिटल टी वाले से समझ लो कि अगर कहीं पर कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी एक पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। मान लो प्लांट में भी हाइट बढ़ाने के लिए, वैसे आपको पता है प्लांट में हाइट बढ़ाने के लिए ऑक्सिन जिब्रेलिन ये सारे हार्मोन्स होते हैं, बट अभी हम एग्जांपल मान के चल रहे हैं। तो मान लो कैपिटल टी ने हाइट बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन बना दिया, अगर इसके साथ एक और कैपिटल टी है तो वो भी बना रहा है ग्रोथ हार्मोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अकेला भी है ना तो इतना सफिशियंट ग्रोथ हार्मोन बना लेगा जितना ये दोनों मिलकर बनाएंगे, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दो हैं तो ज्यादा बन जाए ज्यादा लंबा हो जाए, और अगर मैं अकेला हूं तो कम ग्रोथ हार्मोन बने हाइट कम बने, ऐसा नहीं है। ये अकेला भी उतना ही इफेक्टिव है जितना दो फॉर्म में है, ठीक है। तो जो हाइट है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि इसने कितना ग्रोथ, मतलब इसने ग्रोथ हार्मोन बनाया, और अगर कभी ये वाली कंडीशन आ गई तो इसका मतलब अब ये दोनों ही स्मॉल टी हैं, यानी दोनों ही उतना ग्रोथ हार्मोन नहीं बना पा रहे जितना कैपिटल टी बना था, तो प्लांट की हाइट कम रह गई, प्लांट ड्वार्फ रह गया। तो जीन ने खुद को कैसे एक्सप्रेस किया, बाय फॉर्मिंग अ प्रोटीन, है ना। तो ये जो डोमिनेंस और रेसेसिव का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जीन का एक्सप्रेशन क्या है। अगर जीन खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, प्लांट का ट्रेट उस अकॉर्डिंग आएगा। और ये ऐसा नहीं कि कुछ अलग ट्रेट बनाता है, इसका जो रेसेसिव एलील होता है वो सिंपली उस ट्रेट को बना नहीं पाता, इसलिए वो छोटा रह गया प्लांट। या मान लो कोई दूसरा केस हम देखें, राउंड और रिंकल्ड सीड, तो यहाँ पर अगर कैपिटल आर एक होता या दो होते तो वो सीड को राउंड बना देते, अगर नहीं है तो सीड रिंकल्ड रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि टू टैकल दीज क्वेश्चन हमें ये समझना पड़ेगा कि जीन काम कैसे करता है। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ये तो हमें समझ में आ गया मेंडल के लॉ से। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन, ये भी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, जिसको आप कहते हो पेयर ऑफ एलील, ठीक है। नाउ दीज टू एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, जैसे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन
विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन. तो अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है बच्चों कि मतलब अगर हम नेचर वाइज सोचें कि नेचर में जब शुरू से एलील्स बनना शुरू हुए, जीन्स बनना शुरू हुए, तो उनमें ये मॉडिफिकेशन हुआ ही क्यों, सिर्फ एक ही फॉर्म रहती, कैपिटल टी रह लेता, स्मॉल टी बना ही क्यों. तो ये कह रहा है आपको कि इस तरह के मॉडिफिकेशंस होना नॉर्मल बात है. जैसे आप आगे पढ़ोगे म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, ठीक है. या तो वो चेंजेस हमें पता ही नहीं चलते, इतने छुपे हुए रहते हैं, या कभी कभार वो चेंजेस जैसे अभी हमने पढ़ा होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएँ, स्मॉल आर साथ में आ जाएँ, तो हमें दिख जाएगा कि भाई ये इसमें चेंज हुआ है. तो ये जो भी चेंज होता है ना एलील में, ये एलील को कैसे मॉडिफाई करता है उसका एक एग्जांपल यहाँ पर तुम्हें समझाया गया है. हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोई जेनेटिक्स की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अब इन्होंने दे दिया है एनसीईआरटी में तो हमें पढ़ना पड़ेगा. वरना मैं तो कहती हूँ इसको तुम्हारे यहाँ पे कोई खास डालने की ज़रूरत थी नहीं, तुम्हारे लेवल पर इतना ही बहुत है कि भाई हाँ डोमिनेंस जो है वो एक रेफरेंस प्रॉपर्टी है ना कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. बट ठीक है, दिया है एनसीईआरटी में तो पढ़ लेते हैं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, है ना. तो यहाँ लिखा है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. एंजाइम भी प्रोटीन होता है. कि मान लो एक जीन है जो एक एंजाइम बनाता है और इस एंजाइम की वजह से, अच्छा नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन जिनको कि हम दो एलील्स मानेंगे. लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम. यानी अगर हम नॉर्मल एलील का मतलब अगर मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूं तो जो कैपिटल ए है वो एंजाइम बनाएगा और उस एंजाइम की वजह से, ये जो एंजाइम है उस एंजाइम की वजह से कोई एक सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में बदलेगा, ठीक है ना. दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एस, ठीक है. थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील, अब मान लो ये तो नॉर्मल एलील का काम है कि वो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम की वजह से रिएक्शन हो जाएगी बॉडी में. अब सपोज इसका जो पार्टनर एलील है वो, उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों, कि इसके साथ जो एलील है वो या तो यही है सेम, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या हम कह रहे हैं वो स्मॉल ए है. तो स्मॉल ए को यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है मॉडिफाइड एलील. क्या बोल रही है? मॉडिफाइड एलील. और कैपिटल ए को क्या बोल रही है? कैपिटल ए को बोल रही है कोई भी, चाहिए चाहिए कोई भी ले लो, इन सबको बोल रही है नॉर्मल एलील, ठीक है. तो अब वो कह रही है कि जो इसका पार्टनर एलील है अगर वो एक मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफिकेशन हुए हैं ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, तो वो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं? कि जो मॉडिफाइड एलील है ना वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है. हो सकता है जो मॉडिफाइड एलील है ये भी इसी की तरह काम कर रहा हो और नॉर्मल, या हो सकता है थोड़ा सा बस एफिशिएंसी में फ़र्क आया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा हो. ये तो गड़बड़ कंडीशन हो गई. अगर एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो नॉन फंक्शनल है तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, या फिर एंजाइम बन ही नहीं रहा हो. तो अगर फर्स्ट केस को मैं देखूं, यहाँ पर तुम एक बार लेस एफिशिएंट वर्ड भूल जाओ, तो मान लो कि एक ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है जिसमें नॉर्मल एंजाइम ही बन रहा है, तो फिर तो मैं स्मॉल ए कहूँ ही नहीं उसको. जब वो कैपिटल ए की तरह ही बिहेव कर रहा है उसका पार्टनर एलील, तो इस कंडीशन को तो मैं एक तरह से कैपिटल ए ही मान लूँ, है ना. ये एक तरह से इसका इक्विवेलेंट एलील ही तो हो गया. लेकिन अगर वो इफेक्ट कर रहा है, अगर जो स्मॉल ए है उसकी वजह से नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या बने ही नहीं, चाहे से वो खुद को तभी एक्सप्रेस करेगा बच्चों जब वो दोनों साथ साथ में आएंगे. अभी वो चुपचाप बैठा है, कुछ कर नहीं सकता, बस वो म्यूटेट हो चुका है, वो मॉडिफाई हो चुका है. और वो मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा है कि अगर इसको मौका मिल गया खुद को एक्सप्रेस करने का, तो ये नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बनाएगा, है ना. तो मान लो मैं इस कंडीशन को इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो अब आगे लिखा है एनसीईआरटी में, इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, सो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, है ना. तो अगर वही सेम बना है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेम ही फिनोटाइप बनेगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी उसमें. जबकि एक मिनट रुकना जरा, जबकि दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस. ओहो जस्ट अ मिनट, दोबारा पढ़ते हैं इसको हम. ये देखो क्या कह रहा है ये, कि इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, सो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप. सेम फिनोटाइप तो इट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट. बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन हुई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मॉडिफाइड एलील एक तरह से वही है, ठीक है. लेकिन अच्छा, सच इक्विवेलेंट एलील्स आर वेरी कॉमन, ये भी लिख दिया भाई. ज़्यादातर केसेस में जो म्यूटेशंस होते हैं ना, मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी के जैसा होता है. तो कोई दूसरा ट्रेट आए वो ज़रूरी नहीं है. लेकिन इफ़ द एलील, अब सेकेंड और थर्ड केस की बात हो रही है,
इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम द फीनोटाइप मे बी इफेक्टेड. द फीनोटाइप और ट्रेट विल डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील. ये भी कह रहा है ये कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो अनमॉडिफाइड यानी जो नॉर्मल एलील है ना उसकी फंक्शनिंग क्या है. जैसे अगर ये अनमॉडिफाइड एलील डोमिनेंट रखता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्मॉल ए बन गया तो बनने दो, फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस का केस हुआ तो फिर ये दोनों का मिला जुला या कोई तीसरा ही ट्रेट देखने को मिलेगा. यानी द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट. अगर यहाँ पे मॉडिफाइड एलील बना है ना, ये वाला मॉडिफाइड एलील, तो फिनोटाइप किस पर डिपेंड करेगा? ऐसा नहीं है एकदम से इस पर चला जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा. अभी भी फिनोटाइप किस पर डिपेंड करेगा? फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल एलील पर, कि नॉर्मल एलील डोमिनेंट है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है या कोडोमिनेंट है. क्लियर? द अनमॉडिफाइड एलील यानी कि नॉर्मल एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील. हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बच्चों ऐसा भी होता है कि कई बार जो मॉडिफाइड एलील होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो फिर हमें उसको डोमिनेंट मानना पड़ता है, इसको रिसेसिव. जैसे हम ऑटोसोमल, अभी हम जब इस चैप्टर के एंड में डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ तुम डोमिनेंट डिसऑर्डर्स भी पढ़ोगे कि जहाँ पर जो म्यूटेंट एलील है वो डोमिनेंट हो गया है, तो फिर वो अगर वही डोमिनेंट हो गया है फिर तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता. यानी फिर मुझे इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर मॉडिफाइड एलील एक डोमिनेंट एलील है तो, जो कि बहुत कम केसेस में होता है. जनरली मॉडिफाइड एलील्स कैसे होते हैं? रेसेसिव एलील होते हैं. ठीक है? हेंस इन द एग्जाम्पल अबव द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस. ठीक है? तो जो भी इसमें घुमा फिरा कर इतनी सारी तुमको उलझाया है चीज़ों में, वो सब तुम्हें कोई क्वेश्चन बना के नहीं पूछने वाला कहीं पर भी. आपको तो बस सिंपली एलील्स की फंक्शनिंग समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो डोमिनेंस का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इनकम्प्लीट को, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये एक्चुअली में इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा एलील में किस तरह के चेंजेस हुए हैं, है ना. और वो हमेशा एक रेफरेंस प्रॉपर्टी है, ना कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको उसके साथ वाला एलील देखना ही पड़ता है. ओके? बस इस चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है. ठीक? देन अब तुम आ जाओ वापस अपने मेन टॉपिक पे, कोडोमिनेंस पर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गया. कोडोमिनेंस मैंने क्या बोला तुमको? को यानी समझौता करना, दोनों मिलजुल कर खुद को एक्सप्रेस करेंगे. तुम्हारी बुक में दूसरा एग्जांपल है तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देती हूँ, रोन कैटल्स. ये भी कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. रोन कैटल्स मतलब कि, रोन कैटल्स का मतलब पैचेस या मोज़ेक अपीयरेंस. इसमें कुछ भी दो दो कंडीशन हो सकती है. हो सकता है ब्लैक काऊ हो और उस पर वाइट कलर के पैचेस हो, या हो सकता है वाइट काऊ हो और उस पर ब्लैक कलर के पैचेस हो. ठीक है? इट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर, यहाँ पे तीनों बातें लिखी हैं, देखो तीनों को कंपेयर किया एनसीईआरटी ने. हमने वो पढ़ा जिसमें F1 रिजेंबल करता है ईदर ऑफ द पेरेंट को, यानी बात हो रही है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है. या हमने पढ़ा इन बिटवीन, इन बिटवीन यानी ना तो इसका ना उसका, तीसरे ने फायदा उठाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट इन दिस केस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट्स. तो हमेशा याद रखो, डोमिनेंस में ईदर ऑफ द पेरेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नीदर ऑफ द पेरेंट, कोडोमिनेंस में बोथ ऑफ द पेरेंट. ठीक है? रटना नहीं है, समझ के याद करना है. अ गुड एग्जाम्पल इज, हाँ अब तुम्हारी बुक में कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल समझाया बच्चों ब्लड ग्रुप से. हमने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं. ठीक है? इसको पढ़ने से पहले एक बार इस टेबल को देखना ज़रा. तो ये तो तुम्हें पता है कि हमारे चार तरह के ब्लड ग्रुप में ए होता है, ए बी होता है, बी होता है और ओ होता है. उन्हीं को बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है. अल्टीमेटली तो चार ही हैं, ए, ए बी, बी और ओ, है ना. तो वहाँ जब हमने ह्यूमन फिजियो में इसको पढ़ा था तो इसको एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट से पढ़ा था कि ए ब्लड ग्रुप का मतलब उस पर्सन में सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है. पढ़ा था कि नहीं? अभी इसको मत देखो. हमने एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट से पढ़ा था कि जिसकी आरबीसी पर सिर्फ ए एंटीजन्स, एंटीजन्स याद है आपको क्या होते हैं?
एंटीजन्स, पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने हैं, एंटीजन्स होते हैं किसी भी सेल का आईडी कार्ड, किसी भी सेल की जो फ्लूड, जो सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लूड मोज़ेक मॉडल, उसमें कुछ शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड करे रहते हैं। फ्लूड मोज़ेक मॉडल याद करो, उसमें कुछ शुगर पॉलीमर्स देखे थे हमने, तो वो जो शुगर पॉलीमर्स हैं वही जनरली एंटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं। कुछ केसेस में प्रोटीन्स भी एक्ट करते हैं एंटीजन की तरह, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में शुगर पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस पर भी ना कुछ शुगर पॉलीमर्स लगे रहते हैं। लैंडस्टीनर ने क्या किया था, बोला कि भाई एक तरह के शुगर पॉलीमर्स को नाम दे दिया ए, अगर दूसरे तरह के शुगर पॉलीमर्स हैं तो उनको नाम दे दिया बी, अगर सारी आरबीसीज पर ए लगे हुए हैं तो ए ब्लड ग्रुप, अगर सारी आरबीसीज पर बी लगे हुए हैं तो बी ब्लड ग्रुप। अब कुछ आरबीसीज ऐसी भी थी जिन पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों था, ये ए एंटीजन है और ये बी एंटीजन है, ठीक है, दोनों हैं, तो उसको नाम दे दिया था ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर निल एंटीजन्स थे ही नहीं आरबीसी की सरफेस पर तो नाम दिया था ओ ब्लड ग्रुप। अच्छे से याद है, एंटीजन्स के बेसिस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड हुए थे। एंटीबॉडीज इनकी ऑपोजिट होती हैं, उसको भी भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी नेग्लिजिबल होती है। कहाँ होती हैं एंटीबॉडी, एंटीजन तो तुम्हें दिख ही रहा है आरबीसी की सरफेस पर होती है, एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में होती है ना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कभी एंटी ए नहीं होगी, वो तो इसी को मार देगी, एंटी बी होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए होगी, ए बी ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। बट एंटीबॉडी इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है कि हमको वो कंसीडर ही नहीं करनी, आप तो मेनली एंटीजन्स को याद रखो अभी। हाँ, जब रिएक्शन होती है दो गलत ब्लड मिल जाते हैं तो फिर मेन एंटीबॉडी बन जाती है जो गड़बड़ कर देती है सारा काम, ठीक है। तो ये तो हमने ह्यूमन फिजियो में सीख लिया था। अब यहाँ हमको जेनेटिक्स में ये देखना है कि क्यों इस आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन्स हैं, क्यों इसकी सरफेस पर ओनली बी एंटीजन्स हैं, या क्यों इस पर्सन की आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं। तो ये जो एंटीजन्स है ना बच्चों, कौन सा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर होगा, ये इस बात पर डिटरमिन करता है कि इसके जीन, इसका जेनेटिक नेचर क्या है। भाई चाहे से आरबीसी जब मेच्योर हो गई उसमें न्यूक्लियस नहीं रहा, इन्यूक्लिएटेड है, बट जब वो यंग थी तब उसके पास न्यूक्लियस तो था ना, तो न्यूक्लियस था तो क्रोमोजोम भी थे, क्रोमोजोम थे तो जीन भी थे। तो कौन से जीन्स किस ह्यूमन में है, मतलब किस पर्सन में है, जिससे ये डिसाइड होगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए भी जो हम एंटीजन्स कह रहे हैं ना, इन एंटीजन्स को कौन डिटरमिन करता है, जीन्स डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो अब जेनेटिक्स में इस चीज़ को समझाया गया, जीन मतलब हम तो डिप्लॉयड है तो पेयर ऑफ एलील, कि कौन सा पेयर ऑफ एलील से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो इसको समझना तुम कि जब इस चीज़ को रिसर्च किया गया तो यहाँ पर ना कोडोमिनेंस के साथ साथ एक और फिनोमिना डिस्कवर हुआ जिसको कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे हम, पहले समझ लो कोडोमिनेंस के साथ साथ तुम्हें एक और चीज़ समझनी है, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या देखा गया कि नॉर्मली अभी तक तो हमें यही लगता था कि भाई जैसे हम कह रहे हैं कि एक ट्रेट, एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए हमारे बॉडी में एक जीन होता है, ठीक है, वो जो जीन है उसके दो एलील्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन यहां पर इस जीन के बच्चों 3 एलील्स मिले, 3 तरह के एलील्स मिल गए यहां पर। अभी तक ये भी बड़ी नई बात थी कि यार वैसे तो तुम हमेशा कहते हो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे ब्लड ग्रुप के जीन को आई से इंडिकेट करते हैं, तो दो एलील होते तो एक कैपिटल आई होता एक स्मॉल आई होता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। यहां पर क्या हुआ, 3 एलील्स थे ब्लड ग्रुप के, जिसमें से 2 डोमिनेंट एलील्स हैं और एक रेसेसिव, या चलो इसको ऐसे समझ लो जो 3 एलील्स थे उनके कैसे नामकरण किए गए। एक एलील को नाम दिया गया आई ए, एक एलील को नाम दिया गया आई बी, और एक एलील को नाम दिया गया स्मॉल आई। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं ओ, ठीक है, बाकी स्मॉल आई लिखना ज़्यादा सही है। ये दोनों जो हैं इनको मैं कैपिटल से लिख रही हूँ, इसका मतलब ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, दीज आर द डोमिनेंट एलील्स, और इसको मैं स्मॉल आई से लिख रही हूँ तो दिस इज अ रेसेसिव एलील। तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई भाई, तुम कह रहे हो कि ब्लड ग्रुप के 3 तरह के एलील्स होते हैं जिसमें से 2 तो डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है, बट अगर मैं किसी भी ह्यूमन सेल की बात करूं तो हमारे क्रोमोसोम्स तो पेयर्ड हैं, कोई ट्रिप्लॉइड तो है नहीं हम कि तीनों एलील को तुम साथ में बना दो, तो हम तो डिप्लॉइड ही है। तो इसका मतलब चाहे से 3 तरह के एलील हैं बट तीनों एलील कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म में साथ में नहीं होंगे, किसी भी ह्यूमन में तीनों एलील साथ में नहीं होंगे, तीनों में से कोई 2 ही एलील तो होंगे किसी एक वक्त पे, या तो आई ए आई बी को साथ कर दो,
या आई ए स्मॉल आई को साथ कर दो, या आई बी स्मॉल आई को साथ कर दो, या होमोजाइगस कंडीशन भी बना दो कि आई ए के साथ आई ए है, या आई बी के साथ आई बी है, या स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई है। तो अगर आप इन तीनों की सारी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे तो छह ही तो प्रोबेबिलिटीज आएंगी बच्चों। फ्यूजन नहीं कर रही अभी, मैं कह रही हूँ कि ह्यूमन पॉपुलेशन में तीन तरह के एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के, तो इनके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो तुम दो दो में। तो आप अगर इन तीन क्वांटिटीज को दो दो के पेयर में लिखना चाहो तो या तो ये होमोजाइगस फॉर्म में मिलेंगी तुमको, ये रही, या हेट्रोजाइगस में आई ए स्मॉल आई के साथ, आई बी स्मॉल आई के साथ, या आई ए आई बी पहले लिख दो। क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा मैंने ये गड़बड़ कर दिया, एक मिनट रुकना। होमोजाइगस कंडीशन कौन कौन सी है? आई ए आई ए के साथ, आई बी के साथ, और स्मॉल आई के साथ। ये तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई। और हेट्रोजाइगस में क्या हो सकता है? एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है क्या, दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में आ गए। आ गए यहाँ पर आई ए और आई बी क्यों साथ नहीं आ सकते? ये दोनों भी आ सकते हैं। पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि एक एलील आई ए है दूसरा आई बी है, तब क्या होगा? तो क्या हुआ यहाँ पर, जब इन केसेस को स्टडी किया गया तो उसमें क्या मिला देखना कि अगर हम छह तरह के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ना, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही हो गया कि ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। समझ रहे हो बात मेरी? तो ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं बच्चों। यहाँ 7 इसलिए दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये दोनों में सेम चीज लिख दी है आई ए आई बी, इसको आपको एक ही कंसिडर करना है। तो ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। अगर मैं सिंपल वे में लिखूं तो वो 6 जीनोटाइप कौन से हुए? वो 6 जीनोटाइप्स हुए, यहाँ लिख दूं क्या, आई ए के साथ आई ए, या आई बी के साथ आई बी, या स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई, होमोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस में या तो ये दोनों साथ हैं, या ये दोनों साथ हैं, या फिर ये दोनों साथ हैं। अब इनके फिनोटाइप निकालते हैं कि अगर किसी पर्सन में आई ए है तो वो तो हमेशा ए एंटीजन ही बनाएगा, तो इसकी आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। होमोजाइगस में तो कोई डोमिनेंस जैसी बात ही नहीं आती। अगर बी है ओनली तो बी एंटीजन बनाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल आई का रेसेसिव एलील का मतलब ये एक मॉडिफाइड एलील है जो ना ए एंटीजन बनाता है ना बी एंटीजन बनाता है, नो एंजाइम एट ऑल की तरह, है ना। तो यहाँ ना ए बनेगा ना बी बनेगा, और ब्लड ग्रुप कर दिया लैंडस्टीनर ने कि इसको ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे हम तो, ठीक है। एंड इस केस में बताओ मुझे क्या होगा, जो आई ए, इसको थोड़ा ऊपर ले लूं क्या, एक मिनट रुकना जरा। इस केस में बताओ मुझे क्या होगा कि जब कैपिटल आई ए स्मॉल आई के साथ है, ठीक है, जब कैपिटल आई ए स्मॉल आई के साथ है तो हम क्या बोले, ब्लड ग्रुप डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है बच्चों। तो यहां पे ब्लड ग्रुप आता है ए। जब कैपिटल बी स्मॉल आई के साथ है तो भी ये डोमिनेंट है, बोलता है भाई मेरी दादागिरी चलेगी, इसने कहा ठीक है भाई मैं तो बेचारा रेसेसिव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ तभी खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ जब आई के स्मॉल आई के साथ होऊंगा, तो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर गया। तो इन दोनों केस में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल एप्लीकेबल है, यहाँ जरूरत ही नहीं थी डोमिनेंस की, तो होमोजाइगस कंडीशंस थी, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ना आई ए आई बी, अगर यहाँ पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा होता तो हम कभी दोनों को कैपिटल आई से लिखते ही नहीं, हम दोनों को डोमिनेंट एलील बोलते ही नहीं। दोनों को डोमिनेंट एलील क्यों बोला है? क्योंकि दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। दोनों ने समझौता कर लिया, इन्होंने कहा कि भाई वो बिल्ली और बंदर वाली स्टोरी ना हो जाए कि ए और बी हम दोनों लड़ते रह जाए और कोई सी एंटीजन बन जाए नए तरह का, ए भी बना दो और बी भी बना दो, आरबीसी पर दोनों आईडी कार्ड लगा दो, ए भी लगा दो बी भी लगा दो, ठीक है ना। तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आया, ए बी, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो ब्लड ग्रुप बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेन करते हैं। ब्लड ग्रुप में पहली बात तो हमें देखने को मिली मल्टीपल एलिलिज्म, इसको क्या कहते हैं, जब एक जीन के दो से ज्यादा एलील्स होते हैं तो इसे कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहले तो देखने को मिला कि भाई ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। दूसरा हमें देखने को मिला कितने तरह के जीनोटाइप, 6 तरह के जीनोटाइप्स बनेंगे, लेकिन फिनोटाइप कितने बनेंगे, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 तरह के, तो 4 फिनोटाइप्स बनेंगे। और उनमें भी अगर हम इन जीनोटाइप्स में देखें कि क्या अप्लाई हो रहा है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कुछ जगह तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, बट एक जगह कोडोमिनेंस भी अप्लाई हो रहा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अगर बाई चांस आ जाए कि इनमें से कौन कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, तो ऑल ब्लड ग्रुप्स नहीं कर सकते आप, सारे कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। हाँ,
मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको पूरी ब्लड ग्रुपिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में जहाँ पर ज़रूरी नहीं है तीन, हो सकता है चार या पांच एलील्स भी हों उस पॉपुलेशन में, तो ये जो भी मल्टीपल एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स का मतलब मोर देन टू एलील्स, तो ये जो मोर देन टू एलील्स है ना, ये किसी एक इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगे, नेवर इन एन इंडिविजुअल, बट आप कब पता चलेगा आपको इसके बारे में, व्हेन यू स्टडी अ पॉपुलेशन। अगर हमने ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी किया तभी तो पता चला, अगर मैं एक पर्सन को स्टडी करती तो मुझे कोई भी दो एलील मिलते, या तो ये दोनों मिलते या ये दोनों मिलते या ये दोनों मिलते। तो मल्टीपल एलिलिज्म कैन बी डिस्कवर्ड, कैन बी स्टडीड ओनली इन द होल पॉपुलेशन, नॉट ओनली इन एन इंडिविजुअल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, जेनेटिक्स में अननेसेसरी उलझना नहीं है तुमको कि पता नहीं कौन कौन से उससे रिलेटेड क्रॉस कर रहे हो, कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल्स भी बस वहीं पर करो जहाँ ज़रूरी है, जहाँ पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कोई खास क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं बनता, ये तो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल बेस मैं तुम्हें करवा दूंगी। वो बहुत पहले का टाइम था बच्चों, 2000 से भी पहले का टाइम था, जब पता नहीं दुनिया भर के अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे, तुम उनको लेकर बैठे रहते हो और जो मेन जेनेटिक्स है उस पर फोकस नहीं करते। तो तुम्हें वही चीज़ें पढ़नी है जो एनसीईआरटी में है, जहां ज़रूरत लगेगी मैं एडिशनल अपने आप बता दूंगी, आगे आएंगे ऐसे टॉपिक्स, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, कोडोमिनेंस में लिखा है कि क्या लिखा है कोडोमिनेंस में, अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसीज दैट डिटरमिन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर एबीओ, एबीओ मतलब सारे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। कहाँ होते हैं एंटीजन्स, इस पर भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस हैज शुगर पॉलीमर्स, शुगर पॉलीमर्स प्रोटीन नहीं शुगर है ये, that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by this gene. जो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे कुछ शुगर पॉलीमर प्रोट्रूड करते हैं, और कौन सा शुगर पॉलीमर प्रोट्रूड करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा जीन उसको कंट्रोल कर रहा है, जैसा अभी हमने कॉम्बिनेशंस देखे, ओके। तो जब इस जीन को स्टडी किया गया तो इसके तीन एलील्स मिले, आई ए आई बी स्मॉल आई, जिसमें से ये दोनों स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर है, वाइल स्मॉल आई कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करता, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही शुगर्स हैं स्लाइटली। देखो छोटी छोटी लाइन्स पे सो क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई अलग अलग शुगर नहीं है, आई ए और आई बी से जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है एक ही शुगर की, जबकि स्मॉल आई से कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं होती, नो एंटीजन्स, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे पास दो मतलब होमोलोगस पेयर हैं, ईच पर्सन पजेस एनी टू ऑफ द थ्री जीन, थ्री एलील्स, कोई हर मतलब एनी ऑफ द थ्री, तीन में से कोई दो ही एलील एक इंडिविजुअल में आपको मिलेंगे, जिसमें से आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। जब आप आई ए को स्मॉल आई से या आई बी को स्मॉल आई से कंपेयर करोगे तो ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। यहाँ मैंने लिखा है ये किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी लिख लो आप अपनी टेबल में, ये जो है ना कौन सा केस, ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो दोनों केस हैं, दिस वन और दिस वन, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं कोडोमिनेंस को, दो मतलब ये एक ही है, आई ए आई बी ने दो जगह लिख दिया है, बात एक ही है, ये कोडोमिनेंस, और बाकी जगह डोमिनेंस देख ही नहीं सकते क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है दे कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, इन अदर वर्ड्स व्हेन दिस कॉम्बिनेशन होगा तो आई ए एक्सप्रेस करेगा, आई बी होगा तो आई बी खुद को एक्सप्रेस करेगा, टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। और जब दोनों साथ में होंगे तो क्या होगा बच्चों, तो दोनों ही खुद को एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कोडोमिनेंस। हेंस आरबीसी हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर, यानी एंटीजन। सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील, देयर आर सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यानी सिक्स जीनोटाइप्स बनेंगे दैट आर पॉसिबल, एंड अ टोटल ऑफ सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप विल बी देयर। तो आपसे पूछ लिया कि अगर सिक्स जीनोटाइप्स हैं तो फीनोटाइप बताओ कितने होंगे, तो चाहे सिक्स जीनोटाइप हैं बट फीनोटाइप सिक्स नहीं है, फीनोटाइप तो आप लिख देना फोर ही हैं, क्योंकि चार ही तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, यू नो वही तो फीनोटाइप है और क्या है फीनोटाइप,
ठीक है। तो ये इस टेबल में आपको जीनोटाइप्स बताए हैं, दैट इज ऑफ सिक्स टाइप, और ये बताए हैं फीनोटाइप, दैट इज ऑफ फोर टाइप। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि ब्लड ग्रुप्स में कितने तो एलील होते हैं, जीन तो एक ही है बच्चों, जीन तो एक ही है पर उसके तीन एलील्स हैं, उन तीन एलील्स के कॉम्बिनेशन की वजह से सिक्स जीनोटाइप्स हैं और उन सिक्स जीनोटाइप्स की वजह से फोर फीनोटाइप हैं। तुम अगर रट के पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता नीट में ही समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या टिक करना है। समझ के अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है तो गलती होने का स्कोप भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, देन इसी में इसी टेबल के बाद में आपको मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में भी बता दिया है। डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल्स ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन टू, दैट इज थ्री एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के लिए जीन तो एक ही है लेकिन एलील दो से ज्यादा है। सिंस इन एन इंडिविजुअल, देखो लिखा भी है कि हाईलाइट करना, सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। अगर आप एक ही इंडिविजुअल को स्टडी करते तो आप कभी मल्टीपल एलील को समझ ही नहीं पाते, वो तो आपको तब पता चला जब आपने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया, ठीक है। समझ में आ गया मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो बताओ ऑफस्प्रिंग का क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिया, आप कर लेना कि मान लो मैं आपको कह दूँ कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ए, और मदर का ब्लड ग्रुप है बी मान लो, और आपको ये नहीं बोला कि इनका जीनोटाइप क्या है। तो अब इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो उनका जीनोटाइप होमोजाइगस बी हो सकता है या हेटरोजाइगस भी तो हो सकता है बच्चों, तब भी तो ए ब्लड ग्रुप ही आता। ऐसे ही मदर के केस में भी होगा कि बी ब्लड ग्रुप में होमोजाइगस जीनोटाइप भी हो सकता है और हेटरोजाइगस भी हो सकता है। तो आपको दोनों कंडीशंस लिख के देखनी पड़ेंगी, है ना। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में कोई ऐसी हिंट दी हो, जैसे बच्चों का ब्लड ग्रुप बता दिया और आपसे पूछ लिया फादर और मदर का जीनोटाइप बताओ, या बोल दिया कि भाई ये ब्लड ग्रुप है, ऑल पॉसिबल फिनोटाइप्स बताओ बच्चों में। तो देखो, अगर इन दोनों की मैरिज हुई होती तो जरा ध्यान से सोच के बताना सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता। ध्यान से सोच लो, इससे सिर्फ आई ए टाइप के गैमिट्स बनते, इससे सिर्फ आई बी टाइप के गैमीट बनते, तो हमेशा आई ए आई बी से मिलता और हमेशा बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आता बच्चों, ए बी आता। यस और नो, कौन सा ब्लड ग्रुप आता, ए बी आता, आता कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई और कलर ले लेती हूं, दोनों ही हेटरोजाइगस होते, चलो ये कंडीशन भी देख लेते हैं हम, तो बताओ क्या क्या कंडीशन होती, खुद सोच के बताओ। बहुत सिंपल है, आप एग्जाम में आराम से कर सकते हो। अगर दोनों पेरेंट हेटरोजाइगस हैं तो यहां पर तो एलील बनते आई ए स्मॉल आई, और यहां पर एलील बनते दो तरह के आई बी और स्मॉल आई। तो आप बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन आते, देखें जरा। अगर ये इससे मिलता तो ए बी, ये इससे मिलता तो ए आई यानी ए ब्लड ग्रुप, ये इससे मिलता तो बी आई यानी बी ब्लड ग्रुप, और ये दोनों मिल जाते तो स्मॉल आई यानी ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता था। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, तो उनके बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, समझ गए, बिकॉज ऑफ दिस जीनोटाइप। तो ऐसा नहीं है हम कहें कि यार ये तो फादर मदर का तो ए बी ब्लड ग्रुप है, बच्चे का ओ कैसे हो गया, बिल्कुल हो सकता है, इट इज बायोलॉजिकली जेनेटिकली प्रूवन, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। तो अगर इस तरह के दोनों हेटरोजाइगस हैं तो देखो ए बी, ए बी एंड ओ, ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल, कोई भी कंडीशन देके पूछ लेंगे तुमसे। या फिर जैसे अब मान लो इसमें उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछते कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है और उनके प्रोजेनीज में हर तरह के ब्लड ग्रुप के बच्चे हैं, तो बताओ इनका जीनोटाइप क्या है। तो आप समझ जाते ये वाला जीनोटाइप तो हो ही नहीं सकता, उनका जीनोटाइप ये है, दोनों हेटरोजाइगस हैं। और अगर वो कह देते कि उनके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बताओ क्या प्रोबेबल जीनोटाइप है, तो फिर ये होमोजाइगस कंडीशन है। एक और कंडीशन भी हो सकती थी कि एक होमोजाइगस है और दूसरा हेटरोजाइगस है, उस कंडीशन में देखना जरा क्या होता। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक तो होमोजाइगस है और दूसरा हेटरोजाइगस है, तब बनाना जरा कॉम्बिनेशंस। यहां पर तो एक ही तरह के गैमीट बनते, यहां पर दो तरह के गैमीट बनते, बनते कि नहीं, ये देखो जरा।
यहाँ पर तो एक ही तरह का गैमीट बनता, यहाँ पर दो तरह का के बनते बी और आई। इसको तुम आई बी भी लिख सकते हो एग्जाम में फटाफट करने के लिए, ए बी आई ऐसे ऐसे भी लिख लेना, ठीक है। अगर ये दोनों मिलते तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर ये दोनों मिलते तो ए आई। इसको तो नहीं मिला दोगे तुम, ये तो मदर के ही दोनों बना रहे हो, तुम ओवम ओवम को थोड़ी ना मिलाओगे, ठीक है ना, ये गड़बड़ मत कर देना। तो या तो बच्चों का ब्लड ग्रुप होता ए बी या बच्चों का ब्लड ग्रुप होता ए। और अगर मैं कह दूं कि ये आई बी है और ये आई ए आई है, तो या तो बच्चों का ब्लड ग्रुप होता बी या तो होता ए बी, यानी ए बी तो लगभग हर केस में ही आएगा ही आएगा, है ना। ऐसे भी पूछ सकते थे कि आपको नहीं दिया तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो जो हर तरह के केस में होगा ही होगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप 5-6 क्वेश्चंस कोई भी पीवाईक्यू की बुक जो आप फॉलो करते हो खोल के आप देखना, जितने भी ए बी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे कर डालना, तुमसे आराम से हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। परसेंटेज पूछ लें तो यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी है ब्लड ग्रुप्स की, यहाँ पर ओनली ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, 50-50% चांसेज है ए बी और ए का, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए अब तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ क्या? चलो भाई, तो ये तो हो गया हमारा मल्टीपल एलिलिज्म तक खत्म। अब यहाँ पे क्या कर रखा है बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी में ना एक पैराग्राफ दे रखा है इसी मल्टीपल एलील्स के बाद। इस पैराग्राफ में कोई हेडिंग वेडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पैराग्राफ की जो वेरी फर्स्ट लाइन है ना, अगर हम उसको पढ़ें तो देखना जरा क्या लिख रहा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है ओकेजनली, पहली बात तो अब जिस फिनोमिनन की बात कर रहे हैं वो ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब यहाँ एक तरह से फिनोटाइप से है, कि कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिले अलग अलग बॉटनिस्ट को बायोलॉजिस्ट को जिसमें एक जीन है उससे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जैसा बनता आया है, लेकिन फिर भी कई सारे फिनोटाइप्स को वो अफेक्ट कर रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये कोई एक जीन है, इस जीन से कोई एंजाइम बनता है, ये एंजाइम मान लो हमारे किसी ऑर्गन वन में, हमारे किसी ऑर्गन वन में एक्स को वाई में बदलता है। सेम एंजाइम हर जगह है जीन्स, तो सेम एंजाइम हमारे किसी ऑर्गन टू में पी को क्यू में बदलता है, यही एंजाइम। और सेम एंजाइम हमारे किसी ऑर्गन थ्री में वाई को जेड में बदलता है, कुछ भी एनीथिंग, ए को बी में बदलता है, सेम एंजाइम। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जीन एक प्रोडक्ट बट उसके फीनोटाइप कई सारे हैं? अब वाई की वजह से जो भी हमारी बॉडी में कैरेक्टर मतलब जो भी इफेक्ट आते हैं वो भी हैं, क्यू की वजह से जो इफेक्ट आते हैं वो भी होंगे, और जो बी प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो इफेक्ट आते हैं वो भी होंगे। तो अगर कोई ऐसा जीन है, इतना इंपॉर्टेंट जीन कि वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है बट वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह है हमारी बॉडी में, तो फिर उसके मल्टीपल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे जीन्स को बॉटनिस्ट कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। क्या कहते हैं बच्चों? प्लियोट्रॉपिक जीन्स, प्लियोट्रॉपी। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इस तरह का जीन जो मेनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है ना, इट इज कंट्रोलिंग मेनी फिनोटाइप्स, चाहे से वो कुछ अलग अलग नहीं कर रहा सबके लिए, काम एक ही कर रहा है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम बना रहा है कि वो अलग अलग रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, तो इनडायरेक्टली ये जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा जीन कहलाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपिक जीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट कुछ ईयर्स में हर साल प्लियोट्रॉपी पे क्वेश्चन आया है। अब तुम्हारी बुक में क्या कर रखा है कि इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में भी लिख दिया प्लियोट्रॉपी और इसमें भी प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल छुपा है, भी बताती हूँ मैं तुम्हें, पर फिर बाद में आप थोड़े से पन्ने पलटो आगे जाओ, एक हेडिंग है अलग से 4.5, वहां पर फिर दोबारा प्लियोट्रॉपी को बताया है ना। तो प्लियोट्रॉपी डेफिनेशन सेम ही है, बस दोनों जगह अलग अलग तरह से समझाई गई है, वो समझ लो क्या है, ठीक है। देन विल एंड टुडेज सेशन। तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि अगर हम प्लियोट्रॉपी क्या बोला हमने कि एक सिंगल जीन जो है वो मोर देन वन इफेक्ट डालेगा। चलो इसको समझाने से पहले ना मैं एक बार तुमको ये वाली प्लियोट्रॉपी समझाती हूँ, ये थोड़ा समझना बहुत आसान है। यहाँ लिखा है कि वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। अभी तक तो हमने यही कहा था कि एक जीन है तो या तो वो फ्लावर कलर को डिसाइड करेगा, प्लांट की हाइट को डिसाइड करेगा, पॉड के कलर को डिसाइड करेगा, एक ही फिनोटाइप के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बट There are, however, instances, यानी examples, where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. अभी बताया मैंने क्यों? Such a gene is called pleiotropic gene. क्यों होता है ऐसा? What is the underlying mechanism?
द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज द, हाईलाइट करेंगे दोबारा से, इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, जो मैंने अभी ड्रॉ करके बताया कि अगर वो जीन एक ऐसे पाथवे में इन्वॉल्व है, एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जो मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है, तो उस जीन की वजह से आपको मेनी फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट फिनोटाइप्स मिलेंगे, ठीक है। और तुम सोचो अगर ऐसे किसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो एक सिम्टम नहीं आएगा, मेनी सिम्टम्स आएंगे, जहाँ जहाँ उस जीन का एंजाइम इंपॉर्टेंट था वो सारी रिएक्शंस अफेक्ट हो जाएंगी और वो सारी प्रॉब्लम्स उस पर्सन में हो जाएंगी। तो ऐसा प्लियोट्रॉपिक जीन में अगर म्यूटेशन होता है बच्चों, तो उसके कुछ एग्जांपल्स आगे भी तुम पढ़ोगे, यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल बताया है, दैट इज़ PKU। इस प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल याद रखना है आपको, एकदम एकदम याद ही कर लेना, बिल्कुल रटी लेना यूँ कहूँगी मैं इसको, तो फिनाइल कीटोन यूरिया प्लस एक और एग्जांपल है इसका प्लियोट्रॉपी का, सिकल सेल एनीमिया, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों प्लियोट्रॉपी के भी एग्जांपल हैं और ये दोनों आगे हम पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन के भी एग्जांपल हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। दीज आर एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी एंड पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि वो जो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जिसमें म्यूटेशन की वजह से दोनों डिसऑर्डर हुए, वो जीन एक प्लियोट्रॉपिक जीन होता है। इसका अलग जीन है, इसका अलग जीन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। दोनों के बारे में डिटेल में हम आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में बताया तुमको PKU के बारे में कि PKU में क्या होता है। ये जो डिजीज़ है ये हमारी बॉडी में एक म्यूटेशन की वजह से होती है, एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है। वो जीन जो एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। एक एंजाइम बनता है हमारी बॉडी में, मैंने कहा ना यहाँ पर कि कोई एंजाइम बनाता है जीन, तो ये एंजाइम कौन है इस केस में? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। और अगर ये एंजाइम नहीं बना, क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, कम बना, नहीं बना, नॉन फंक्शनल हो गया है, तो इस एंजाइम से जो भी रिएक्शंस कंट्रोल होती थी वो डिफेक्ट, मतलब उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या सिम्टम्स आएंगे? वो रिएक्शंस अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम PKU में करेंगे, ठीक है। तो दिस मैनिफेस्ट इट सेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हुई तो मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे आप देखना, PKU जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाय बर्थ है, तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो बहुत लो IQ वाला मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है, ठीक है। रिडक्शन इन हेयर, ऐसे बच्चों में ऐसा भी देखा गया है हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, इवन हेयर का पिगमेंटेशन भी कम होता है, भूरे भूरे से सफ़ेद से बाल होते हैं। आप ये मत करना हर भूरे और सफ़ेद बाल वाले को PKU कर दो, ठीक है ना। PKU में सारे सिम्टम्स साथ में आएंगे तो PKU बोलेंगे उसको, ओके। एंड उसका स्किन पिगमेंटेशन भी बड़ा एबनॉर्मल सा होता है, बहुत क्लियरली मिलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता, बहुत ही एबनॉर्मल से स्किन होती है। मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगी जब PKU पढ़ाऊंगी उसमें, ऐसे बच्चों की, ठीक है। तो ये इसमें अब देखो, बीमारी प्रॉब्लम एक जीन में हुई है, प्रॉब्लम ब्रेन में भी आ रही है, प्रॉब्लम हेयर ग्रोथ में भी आ रही है, प्रॉब्लम स्किन कलर में भी आ रही है, तो हो गया ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। इसका नाम पता है फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों है? यूरिया तो कहीं ना कहीं यूरिन से भी रिलेटेड है, क्योंकि इस डिजीज में फिनाइल कीटोन्स नाम के सब्सटेंस बन जाते हैं हमारी बॉडी में एंड दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो अगर किसी भी बच्चे में डॉक्टर को डाउट है, बॉर्न हुआ है कि भाई इसमें PKU है, उनको कंफर्म करना है, तो बस यूरिन टेस्ट करना है। अगर यूरिन नॉर्मली, यूरिन में कभी अपन ने कोई फिनाइल कीटोन पढ़ा है क्या कहीं? नहीं। तो अगर किसी बच्चे के यूरिन में फिनाइल कीटोन है तो इसका मतलब उसको ये डिसऑर्डर है, इसलिए इस डिजीज का नाम PKU है। बाकी इससे रिलेटेड बातें हम बाद में करेंगे जब PKU पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी समझ में आ गई ना तुम्हें क्या है? अब इसी प्लियोट्रॉपी को यहाँ पर वापस आ जाओ अपने मेन टॉपिक पर, जहाँ तुम मल्टीपल एलिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो पैराग्राफ है उस पर भी तुम प्लियोट्रॉपी हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। ये भी प्लियोट्रॉपी को बताता है। कैसे बताता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगेन देखो, अब हम पी पर आ गए हैं बच्चों। हालांकि मेंडल ने जो पी सीड्स को स्टडी किया उनको तो ऐसा कुछ मिला नहीं था, तो मेंडल ने तो पी के सीड का क्या देखा था? साइज, कि राउंड है या रिंकल्ड है। पर यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं पी के सीड्स की, क्या देख रहे हैं? जैसे कोई सीड होता है तो सीड के अंदर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, लिपिड सब कुछ होता होगा। तो हम सीड के अंदर स्टार्च के ग्रेन्स देख रहे हैं, सिर्फ सीड नहीं देख रहे, सीड के अंदर किसके ग्रेन्स देख रहे हैं? स्टार्च के ग्रेन्स देख रहे हैं। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन,
ठीक है, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाया है इसका, वो समझ लो जरा क्या होता है यहाँ पर, कि गार्डन पी में एक जीन है जो दो फिनोटाइप्स को कंट्रोल करेगा। हमने कहा ना मेनी फिनोटाइप, तो यहाँ पे तुम दो फिनोटाइप से समझ लो, तो तभी तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन होगा। अब जीन तो एक ही है, उस जीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी से, जो या तो कैपिटल बी भी होगा या स्मॉल बी भी होगा या कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। अब क्या देखा जब इसको स्टडी किया कि ये जो जीन है ना, ये जीन एक तो स्टार्च ग्रेन बनाता है, इसका मेन काम तो है स्टार्च ग्रेन का साइज डिसाइड करना। स्टार्च ग्रेन एक ही सीड के अंदर, ये एक सीड है उसके अंदर खूब सारे स्टार्च ग्रेन होते हैं, ये एक सीड है उसके अंदर खूब सारे स्टार्च ग्रेन होते हैं, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे बनाया है मैंने, तो यहाँ मैं सीड का शेप नहीं देख रही, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि उस सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन है ना, वो बड़े साइज के हैं या छोटे साइज के हैं। सीड का नहीं, सीड के स्टार्च ग्रेन का। तो क्या देखा बॉटनिस्ट ने कि भाई जो कैपिटल बीबी थे ना, उनमें बड़े साइज के ग्रेन्स बने, जो स्मॉल बीबी थे उनमें स्मॉल ग्रेन्स बने, और जब इन दोनों में क्रॉस कराया है ना, तो सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन थे वो थोड़े इंटरमीडिएट साइज के आ गए। रुको अभी, लेकिन यहाँ पर जब सेम जीन सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है बच्चों, शेप यानी सीड का पूरा शेप। नॉर्मली आप सोचो अगर किसी सीड में सारे बड़े बड़े लार्ज स्टार्च ग्रेन है तो सीड भी राउंड होना चाहिए अच्छा खासा मोटा। अगर किसी सीड में छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे से स्मॉल ग्रेन है तो सीड भी पिचक के रिंकल्ड हो जाएगा। यानी जिनमें लार्ज स्टार्च ग्रेन होते हैं वो राउंड सीड्स आ रहे थे, जिनमें स्मॉल ग्रेन्स होते हैं वो रिंकल्ड सीड्स आ रहे थे। तो जीन एक पर फीचर दो कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन का साइज भी कंट्रोल कर रहा है और सीड का शेप भी कंट्रोल कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? तो अब तुम कहोगे मैम यहाँ तक की बात तो समझ आ गई, ये समझ नहीं आया इंटरमीडिएट ग्रेन क्या है, इसको तुम एक बार को भूल जाओ, होल्ड पे रख दो। जब मेंडल ने राउंड और रिंकल्ड सीड में क्रॉस करवाया था तो उनको कोई इंटरमीडिएट सीड मिले थे क्या? नहीं, उनको तो राउंड सीड ही मिले थे। तो उनने कहा था भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो भी रहा है यहाँ पे। पर जब बॉटनिस्ट ने इन राउंड सीड्स को स्टडी किया, जो कैपिटल बी स्मॉल बी वाले थे, उनके अंदर से स्टार्च ग्रेन निकाल के देखे ना, तो वो स्टार्च ग्रेन लार्ज नहीं थे। सीड का शेप तो सेम था राउंड, जो लार्ज ग्रेन्स की वजह से होता है, पर यहाँ पर जो राउंड सीड्स के अंदर ग्रेन्स थे ना, वो इनके जैसे लार्ज ग्रेन्स नहीं थे बल्कि इंटरमीडिएट ग्रेन्स थे। तो यहाँ पर दो बातें फॉलो हो रही हैं बच्चों, एक तो ये एक प्लियोट्रॉपिक जीन है जो दो फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा अगर हम जब स्टार्च ग्रेन को स्टडी कर रहे हैं तो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल मिल गया। क्योंकि लार्ज और स्मॉल ग्रेन से अगर इंटरमीडिएट ग्रेन बन रहे हैं, नीदर ऑफ द पेरेंट, एक थर्ड ही कैरेक्टर आ रहा है, तो फिर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब गड़बड़ मत कर देना, सीड के शेप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, सीड का शेप तो फिर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही फॉलो कर रहा है, सिर्फ जो सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन्स है ना वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। तो दो तीन बातें एक साथ हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे चार्ट की फॉर्म में आपको समझा दिया है। तो सीड का शेप तो लॉ ऑफ, अगर बाई चांस मेंडल कोई स्टार्च ग्रेन को स्टडी कर रहे होते उस टाइम पे तो वो गड़बड़ हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता यार ये क्या एक्सेप्शन आ गया बीच में। ठीक है, क्लियर हो गई क्या बातें? तो ये यहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी, प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां क्या लिखा है देख लेते हैं, कि यहां लिखा है इट हैज टू एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। दोबारा से देख लेते हैं, कह रहा है कि ऑकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटाइप, यानी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन द पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन दैट इज, जिसके दो एलील हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी भी आता है, होमोजाइगस कंडीशन आती है, तो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं। अगर स्मॉल बी भी कंडीशन आती है तो स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी कम हो जाती है और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ दी सीड, जैसे ही ये सीड मेच्योर होते हैं, तो जो कैपिटल बी भी सीड है ना, जिनके पास लार्ज स्टार्च ग्रेन है, उनका शेप आता है राउंड, और जो स्मॉल बीबी सीड है जिनके पास स्मॉलर ग्रेन्स हैं वो मैच्योर होने पर रह जाते हैं रिंकल्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ, जो हेटरोजाइगोट कंडीशन है, इन्होंने मिक्स करके बताया दोनों को, ठीक है, जो हेटरोजाइगोट कंडीशन है यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, उसमें सीड मैच्योर होने पे तो राउंड हो गए, लेकिन यानी कैपिटल बी सीम टू बी द डोमिनेंट एलील, बट
द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज. उन राउंड सीड्स के अंदर जो स्टार्च ग्रेन मिले ना बच्चों, वो इंटरमीडिएट साइज के मिले. सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फीनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये आपको कह रहा है कि अगर आप शेप ऑफ सीड कंसिडर कर रहे हो तो ये एक डोमिनेंट एलील है. बट अगर आप स्टार्च ग्रेन का साइज कंसिडर कर रहे हो तो ये एक इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील है. ओके तो इसलिए यहाँ पर सेम एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी को भी बता रहा है, सेम एग्जाम्पल डोमिनेंस को भी बता रहा है, सेम एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी बता रहा है. फर्क छोटा सा है, सीड का शेप देख रहे हैं या सीड के अंदर स्टार्च के ग्रेन्स का साइज देख रहे हैं. ठीक है, क्लियर. और ये अगेन इस बात को प्रूफ करता है कि डोमिनेंस कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है. अगर डोमिनेंस इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती तो कैपिटल बी को यहाँ भी डोमिनेंस शो करना चाहिए था और यहाँ भी डोमिनेंस शो करना चाहिए था. ये पूरी तरह से एक रेफरेंस प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है कि उसके साथ मॉडिफाइड एलील कौन सा है, वो किस तरह से मॉडिफाई हुआ है. तो यहाँ इस बात को फिर से क्लियर कर दिया है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट. ना प्रोडक्ट का ना जीन का कोई ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी नहीं है ये. इट डिपेंड्स एज मच, ये किस पे डिपेंड करता है डोमिनेंस, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट. ये जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज जितना कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन. हम किस फीनोटाइप को पढ़ रहे हैं, किस एंगल से उसको देख रहे हैं, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा डोमिनेंस. किस पर? एक तो जीन के प्रोडक्ट पर, एक उससे प्रोड्यूस्ड फीनोटाइप पर. इन केस मोर देन वन फीनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन. ठीक है, इसीलिए जेनेटिक्स को एनसीईआरटी से खुद नहीं पढ़ सकते बच्चों आप, इम्पॉसिबल है. इट रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ थिंग्स की आप अलग अलग जो हम बुक्स पढ़ते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, वो सब चीज़ें मिला जुला कर एनसीईआरटी तो क्या करती है, अलग अलग जो बड़े बड़े ऑथर्स ने चीज़ें लिखी है ना, सबसे कुछ कुछ उठा के समराइज करके दे देती है तुमको. तो अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो मैं आता समझ में कि कहाँ इसको इन्होंने प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस सबसे कोरिलेट कर रखा है. इसीलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एनसीईआरटी उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ लो और हो गई तैयारी. उसकी हर लाइन के डेप्थ में जाकर हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब इस सीरीज़ का, इस तरह किसी एनसीईआरटी को पढ़ने का फ़ायदा है. ठीक है, तो बस इसी तरह हम पूरी जेनेटिक्स को कवर करेंगे. अभी हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हो गया है ओवर. ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा. फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, और फिर मैंने लास्ट में आपको प्लियोट्रॉपी के बारे में भी यहाँ पर समझा दिया है. ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए. इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अभी के अभी साथ के साथ कर लो. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इनके नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं कहूँगी बना लो. अगर अभी लग रहा है कि यार बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमें जेनेटिक्स बड़े अच्छे से समझ में आ गई है, आप एक महीने बाद फिर से एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, आपको सब भूल जाओगे आप बच्चों, और इतना टाइम तो होगा नहीं तब कि आप दोबारा ये सेशंस देखने बैठो, है ना. तो जो तुम्हें जिस टॉपिक से रिलेटेड समझ आया है उस टॉपिक के समराइज नोट्स बनाते जाओ जेनेटिक्स में, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मुझे ये समझ में आया, ये याद रखना है. हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में बनाओ जो तुम्हें समझ में आती है. वो ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आज से दो महीने बाद, तीन महीने बाद तुम्हें रिवाइज करनी है जेनेटिक्स, तो तुम उन नोट्स को पढ़ो तो तुरंत क्लियर चीज़ें हो जाएं. कोई तुमसे पूछ ले तो तुम उन्हें बता सको. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में विल स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस, है ना, और डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड दूसरे डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने भी किए थे और मॉर्गन ने भी किए थे बच्चों, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, उनने लिंकेज के बारे में बताया था. तो वो दोनों चीज़ें डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है. दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, गुड बाय.